तो उन्होंने मेरे लिए अपनी राय बदली तो मैं विन भाई हो गई थी। मैंने गेम खेली नहीं, दुश्मनी मोल लेने नहीं जा रही थी, सेफ फील वर्ड नहीं यूज़ किया मैंने। सबसे पहले जय श्री महाकाल। बात अगर मंजिल की ना की जाए, सफ़र की जाए, तो मैंने अपना बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया जो मैं हूँ। मैंने वो लोगों के सामने आया है तो हाँ, जब लोगों ने मेरे लिए अपनी राय बदली, वहाँ अंदर जो लोग थे उन्होंने मेरे लिए अपनी राय बदली, तो मैं विन भाई हो गई थी। मुझे और कुछ नहीं चाहिए था, मुझे ट्रॉफी से प्यार नहीं था, बट ये था कि हाँ, जितना चल रहा है अच्छा चल। जो खेलने वाले थे, जो प्रेजेंट अच्छे से करने वाले थे सबको, मतलब जो एक स्ट्रांग बंदे थे नीरज भैया के लिए, तो मैं सीरियसली शौक दूँ, वो मैं उनको देखती थी तो मुझे लगता था कि भाई टॉप वन में या टॉप टू में तो जाना ही जाना है। वो पहले ही निकल गए थे, तो उसके बाद से मैं मेंटली प्रिपेयर थी कि अपना भी नंबर कभी भी लग सकता है। मैं गेम खेलने पे एक पॉइंट कहना चाहूँगी, मैंने गेम खेली नहीं, मैं जो थी मैं वहाँ थी। मुझे एक घर मिला था, घर के अंदर 16 लोगों से मुझे डील करना था, 16 डिफरेंट माइंड के साथ मुझे डील करना था। रही बात मलिक फैमिली की, मैं जितना टाइम जिसको दे सकती थी मैंने हर एक इंसान को जानने के लिए टाइम दिया। अरमान भैया, कृतिका, पायल, शिवानी, लव, विशाल, हर एक इंसान को टाइम दिया। रणवीर भैया, इवन दीपक भैया, मुझे जितना जिसके साथ टाइम स्पेंड करना था मैं बैठी हूँ, जिसको जितना जानना था मैंने जाना। आई थिंक वीडियो सभी के सामने बाहर आया था, ठीक है। हम 16 लोग जब एक घर के अंदर होते, हमें नहीं पता बाहर क्या जा रहा है क्या नहीं जा रहा। हर वक्त हम किसी इंसान के साथ नहीं बैठे होते कि किसके साथ क्या है क्या नहीं है, ठीक है। मेरे विशाल पे कैरेक्टर पे कोई उंगली उठाई नहीं। जब विशाल का एक वीडियो पायल ने कहा कि भैया इसने इसके लिए ये शब्द बोले, और लव जो 24 घंटे उसके साथ रहता है उसने उसको प्रूव किया कि हाँ भाई इसने बोला, तब मेरा रिएक्शन बाहर आया। सेकेंड, जब कृतिका ने अपने छोटे कपड़े जितने थे वो वापस कर दिए कि भाई मैं नहीं पहन सकती, तब मुझे लगा कि यार क्यों किसी के लिए अपना आपको चेंज किया इस लड़की ने, वो खुल के जी भी नहीं पा रही, कपड़े भी नहीं पहन रही, हाँ ये गलत लगा। तीसरी बात, जब ये हमारा जब उनके मम्मी पापा आए और वो रोए, तो मुझे कहीं ना कहीं लगा कि यार गलत हुआ है, ऐसा मतलब ऐसा फील हुआ कि यार शायद कुछ गलत डिसीजन तो नहीं था, मेरे इसके बारे में राय तो गलत नहीं थी, क्योंकि एक मैं भी मैरिड वुमन हूँ, कोई मुझ पे भी ऐसे उठाएगा क्वेश्चन उठाएगा तो मेरे पति को बुरा लगेगा। तो मुझे उस वक्त बुरा लगा, मैंने विशाल का साइड लेना बंद कर दिया, बट जब उसके मम्मी पापा ने बोला, सारी चीज़ें हुई, हाँ मुझे हर्ट हुआ, मैंने उससे हाथ जोड़ के माफ़ी भी मांगी। मैं किसी से वहाँ घमासान दुश्मनी मोल लेने नहीं जा रही थी, मैं किसी को कैरेक्टर को कभी जज नहीं करती। मैं वो लड़की हूँ कि लोगों ने अभी तक मुझे जज करा है, तो मैं कभी किसी को जज नहीं करती। बट उस घर में जो हमको हाँ या ना में आंसर पूछा जाता, यस या नो, बीच का कोई सीन ही नहीं था, तो हाँ ना तो ना। बट जब मैं बाहर निकली हूँ और विशाल के कुछ वीडियोस मुझे दिखे हैं, आई थिंक आप लोगों को भी दिखे होंगे, सबने अपनी अपनी राय दी थी और मैं अपनी राय देती हूँ, विशाल ने गलत किया। सेफ फील वर्ड नहीं यूज़ किया मैंने, नहीं एक सेकेंड आपसे बात कंप्लीट कर देना चाहती हूँ आपका क्वेश्चन। मैंने कभी शिवानी को विशाल के साथ उठना बैठना के लिए मना नहीं करा, मैंने अपनी एक राय रखी, क्योंकि जब वो सीन हुआ था उसके 2 दिन के बाद मैं उस जगह से हट चुकी थी। शिवानी बहुत अच्छे से, शिवानी हमसे कहा था दीदी आप हमारे साथ क्यों नहीं बैठते, तो मैंने 2 दिन के बाद शिवानी को ये जवाब दिया, शिवानी सिर्फ आपसे एक चीज़ पूछेंगे कि आप एक गाँव की लड़की हो, आप एक मतलब बहुत बड़ा मैटर था, हर चीज़ थी, एक किसी का सामने आया था, तो हमने बस उससे इतनी बात पूछी थी कि शिवानी आप वहाँ बैठ के कैसे हंस सकती हो, आप उस इंसान को गलत क्यों नहीं बोल रही हो, मुझे बस एक चीज़ बताओ। मैंने उसको बैठने के लिए मना नहीं करा। सेकंड, अरमान जी की बात आती है, मैंने अभी तक कोई वीडियो नहीं देखे, मैंने मोबाइल भी हाथ में नहीं लिया है। जब उनकी सारी मैं धीरे देखूंगी जो चीज़ हुई है, अगर वो गलत होंगे तो मैं उन्हें गलत जरूर बोलूँ। सॉरी, मैंने रणवीर का नाम यूज़ आज तक नहीं किया होगा। एक क्वेश्चन करेंगे आप मुझसे, दोनों के मिक्स हो गए क्वेश्चन, शायद जजमेंट नहीं देती। राइट, जब मसाज वाली बात आई थी, शायद मेरा कंधे पे एक नस चढ़ी थी, एक टास्क मिला था गुड्डी वाला, उसमें मैं फिसल गई थी, गिर गई थी, तो मेरे कंधे पे नस आई थी, और शायद सना सुल्तान ने उस वक्त मेरे हाथ की मसाज करी थी। सारी चीज़ें मैं बाहर घूम रही थी क्योंकि मैं दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा था, मैं किसी को बता नहीं पा रही थी। तब साई ने मुझे कहा चंद्रिका मैं तुम्हारे कंधे की मसाज कर देता हूँ। उसको मैंने हमेशा एक भाई की नज़र से देखा है, ज़्यादा बात मैं करती थी उससे नहीं दिखी हुई होंगी, क्योंकि हाँ
जरूरी नहीं है कि साथ बैठोगे तो ही इज्जत है, दूर से भी इज्जत थी, सलाम था, हर चीज़ थी, बट मेरे को पता था कि मेरा इंसान बाहर बैठा है, मेरा ऑलरेडी लोग मुझे हर चीज़ के लिए जज कर देते हैं, शायद वो उस दिन मेरे कंधे की मालिश करता तो लोग मेरे पति को कहते देख भाई तेरी पत्नी गुल खिला रही है अंदर, देख वो एक, क्योंकि मैं उन चीज़ों से निकली थी, हर एक वर्ड के लिए मुझे जज किया जाता था, तो मुझे पता था कि मुझे बाहर कैसे जज किया जाएगा, इसलिए मैंने कहा था कि भाई मेरा बाहर आदमी बैठा है, शायद उसको वो चीज़ गलत लग जाएगी, लोग गलत समझ लेंगे, क्योंकि अभी भी सेम विशाल के साथ वही हुआ है, बोला कुछ बाहर कुछ आया, सेम मेरा भी यही था कि मैं करूंगी कुछ जाएगा कुछ और।